वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी सीएलसी सीकर से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो फर्स्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन के लिए। तो बॉटनी सेक्शन हम बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली आराम से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें अगर आपको एक दो ऑप्शन भी पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोनेरा, मोनेरा में कौन आता है, भी क्या है? तो मोनेरा में आते हैं आपके कौन, आपके आर्किबैक्टीरिया। ओके, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स आते हैं, यूग्लिना आता है, फंजाई फाइकोमाइसरीज है, और प्लांटी एल्गी। तो इस तरीके से आप मैचिंग करके आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। टू किंगडम, दो जगत में किन्हें रखा गया था, पादप जंतु, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉन्स्टेंटली फिगर्ड। एक्चुअली वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा ये है कि आपके जितने भी किंगडम दिए, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, इनमें कौन से हैं जो लगातार चलते रहे, वो है आपका प्लांटी और एनिमिलिया। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, प्लांटी एंड एनिमिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स में ये पढ़ना है कि कौन सा भाई गलत हो गया। तो इसमें क्या है, टीएमबी हैज डबल, डबल नहीं है बड़ा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है इसमें, सिंगल, कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी तीन सही होंगे, इसका मतलब ये गलत है, जो गलत है वो सही है, फॉल्स पूछा हुआ है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपका चले प्रियॉन्स, P4 प्रियॉन्स, इसकी ट्रिक समझ लें, P4 प्रियॉन, P4 प्रोटीन। प्रियॉन जो है वो केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं जिनमें इंफेक्शियस कैपेसिटी होती है। ओके, प्रियॉन प्रोटीन होता है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, है ना, ऐसे इनकरेक्ट वगैरह जब पूछा जाए ना तो गोला जरूर लगा लिया करिए। ओके, नाउ सी, गोल्डन एल्गी इज कॉल्ड डेस्मिड, यस, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड बोलते हैं। यू बैक्टीरिया इज कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सत्य। ओके, तो ये फॉल्स नहीं हो सकते, फॉल्स तो झूठ हो जाएगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट ही कैसा हो गया, इनकरेक्ट, इसके मतलब ये दोनों। फाइकोमाइसरीज में एक एल्गल फंजाई, फाइकोमाइसरीज में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है ओमाइसरीज, जाइकोमाइसरीज, तो ओमाइसरीज को हम एल्गल फंजाई कहते हैं, मतलब एल्गल फंजाई भी फाइकोमाइसरीज में ही आती है। ओके, साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ब्रूगनिन एल्गी, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, ओके, उसको बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। साइनोबैक्टीरिया है आपके पर्पल, ग्रीन बैक्टीरिया, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, उनमें मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, मेम्ब्रेन का विस्तार होता है, जिसे हम क्रोमेटोफोर या वर्ण की लवक बोलते हैं। ओके, वर्ण की लवक। नेक्स्ट आपका है वॉल्स ऑफ क्रायोफाइट्स, ये कैसी होती है, ये होती है इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, और किसकी बनी होती है, सिलिका। आपके डाइटम की जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी, सिलिका का जमाव होता है मेरिड द सिलिका, तो ये आपका हो गया। ठीक है, एक एक भित्ति में नष्ट अयोग योग्य होती है, सिलिका का जमाव होता है। ओके, नेक्स्ट है सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक मतलब होती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक। ओके, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। आपका राइजोपस है, आपका म्यूकर है, इनमें आपका एल्विगो है, फाइकोमाइसिटिस के जो मेंबर हैं उनमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है। ओके, उनमें सेप्टा नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, इडिबल फंजाई, इडिबल फंजाई क्या है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, मॉरल एंड ट्रफल्स जो है दे आर द मेंबर ऑफ एस्कोबाइसिटीज, इनमें ये खाने योग्य होते हैं, सुस्वादु भोजन के रूप में आपके साथ पढ़ा हो, डेलिकेसियस फूड फूड के लिए। एग, वैसे तो एगेरिकस भी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन यही मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पर टफल तो सही है लेकिन न्यूरोस्पोरा गलत हो गया, मॉरल सही है लेकिन ये गलत हो गया, गले तो होते नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट आपका ऑप्शन। नेक्स्ट आपका इस्मट और रस्ट, ये जो डिसीज है, इस्मट फैलाता है कौन, अस्टिलेगो, और रस्ट फैलाता है कौन, बक्सीनिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। ओके, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग पूछा जाए, रॉन्ग मतलब क्या है भाई, गलत से गलत हो गया भाई, है ना, तो लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, हाँ होता है, ये सही है, लाइकेन वेरी गुड पॉलिसी इंडिकेटर, ठीक है, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन अनपॉल्यूटेड अन, मतलब पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते, लेकिन अनपॉल्यूटेड तो अच्छा एनवायरमेंट हो गया तो वहां तो ग्रो होंगे, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, इसका मतलब ये ठीक है, तो आपका थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, आपने पढ़ा होगा रेड टाइड, रेड टाइड गोनियोलेक्स करवाता है, डायनोफ्लाजेलेट्स है, डायटेमियस अर्थ किसकी होती है, डाइटम छोड़ जाते हैं कौन, क्रायोफाइट्स, प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम में कई बार कंफ्यूजन होता है कि प्रोटोजोअन भी हो सकता है या
स्लाइम मोल्ड, अगर प्रोटोजन होता तो हम एक्टेलेक्स भी लिखते, क्योंकि वो तो जीनस हो गया ना भाई। तो अब इसमें क्या है, प्लाज्मोडियम, इसके लिए बात कर रहे हैं स्लाइम। एंड पेलिकल, पेलिकल कहाँ होता है, यूग्लियोनाइट्स में। इसमें इस तरीके से आपका आंसर आ गया है ना। तो बाकी ऑप्शन मिलेंगे नहीं आपको, जैसे प्लाज्मोडियम दिखना ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे फोर्थ का ए है, तो फोर्थ का ए कहाँ लिखा है, ये लिखा है फोर्थ का, दो में लिखा है। फिर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम स्लाइमोड डी लिखा है, तो ये आ गया आपका थर्ड आंसर। ओके, इस तरीके से मैचिंग कर लें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट की बात करते हैं तो गलत देखना है कौन सा है। तो फाइकोमाइसिटीज जो है उसमें ऊस्पोर बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, एंड राइजोपस में होता है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स हैं, न्यूरोस्पोरा। बैसिडोमाइसिटीज में कोनिडिया नहीं होते, कोनिडिया केवल ड्यूटेरो और एस्को दो जगह होते हैं, बैसिडियो में नहीं होते। ये रॉन्ग आ गया, ठीक है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया कोनिडिया वाला कंसेप्ट, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। मैच द फॉलोइंग करना है, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं कौन, थर्मो एसिडोफाइल्स। साल्टेरिया में कौन रहते हैं, हेलोफाइल्स। बैक्टीरिया टेटनस फैलाएगा, साइन बैक्टीरिया ब्लूम्स इन वाटर वाटर बॉडीज है ना, बहुत तो इसे प्रोस्पिरेशन करते हैं, पानी में ब्लूम्स बनाते हैं, तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आ गया फिगर, फिगर में क्या दिख रहे हैं कि ये क्या है, जनरली ये आपको दिख रहा है ना, ये कैप्सोमियर है, समझे डियर, इससे कैप्सोमियर। लेकिन आप देखें तो एनसीईआरटी ने इसी को बोल दिया कैप्सिड, क्या बोल दिया इसको, यहाँ कैप्सिड लिखा है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में जो लिखा है ना, वही हमें समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो गया। ए क्या है, ए आरएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल, देख लें किस तरीके से। फिगर किसका है, टीएमबी का है, फिगर किसका है, टीएमबी, तो फिगर किसका है, टीएमबी, टोबैको मैजिक वैक्स। ओके, बी कैप्सिड है, आरएनए, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिक्सेशन ऑफ सॉरी फंक्शन ऑफ हिटोसिस्ट, हिटोसिस्ट का एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है क्या, नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके, मैच द फॉलोइंग की बात करें, फिर से आ गए, कोकस कैसे होते हैं, दे आर स्पेरिकल इन शेप। बैसिलस कैसे होते हैं, दे आर रॉड शेप। स्पाइरिलम स्पाइरल, बायरियम कॉमा शेप, बस ये होगी मैचिंग, मैचिंग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, बैक्टीरियल वायरस यूज रिया, जनरली बैक्टीरियल वायरस कौन से होते हैं, बैक्टीरियोफेज, एंड दे हैव, बैक्टीरियोफेज में जीवाणु भोजी में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जनरली। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, कोनिडिया फोर ऑकर इन। अब कोनिडिया जो है वो कैसे होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, एक्जोजिनस, तो एक्जोजिनस होते हैं, एंडोजिनस नहीं होते हैं, मे बी तो कुछ हो नहीं सकता, ये भी गया, एंडोस्पोरिक होते नहीं, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है, अब फिर से आ गया, द प्रोटीन विच इज हैविंग इन्फेक्शन इन्फेक्शियस कैपेसिटी एंड दैट इज व्हाट, प्रियॉन, पी फोर प्रोटीन, पी और पी फोर प्रियॉन, दे काज द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को, संक्रमण को बनाते हैं, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ डिटेरोमाइसिटीज, तो डिटेरोमाइसिटी के ट्रिक याद कर लें, कैट, कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, इसमें ये अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा दो दे रखे हैं, तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर नॉट रिलेवेंट विद आर्किबैक्टीरिया, जो आर्किबैक्टीरिया संबंधित तो नहीं है, पहला है दे कैन दे लिव कहाँ, हार्ट कंडीशन, बिल्कुल सही है, दे आर द प्रेजेंट गट ऑफ सेल, ये भी सही है, दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, ये नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो बैक्टीरिया में होती है, इनमें होती है स्यूडोमीरिन, सेल वॉल डिफर, एक लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में कि हाउ द आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, तो ये आपका हो गया। दे इंक्लूड माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा नहीं होता, तो कौन कौन से हो गए भाई आपके, हाँ दे आर ऑल्सो रिफर्ड ब्लू मेल की, ये भी नहीं होता, कौन से हो गए, सी डी ई, तीन हो गए। ओके, इनकरेक्ट। अब ये आपको पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा क्या है, डिप्टेरा क्या है, डिप्टेरा ऑर्डर होता है, ऑर्डर कहीं लिखा है लिख दो, है ना, आर्थ्रोपोडा आपका हो गया, क्लास हो गया, देन इसी हो गया, डाइकोटिलेडनी, और देन फैमिली कौन सी होगी, एनाकार्डियेसी, एंड देन फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, एंड देन ये डाइकोटिलेडनी क्लास हो जाएगी, इस तरीके से कर लें। ओके, तो ये आपका मैचिंग मैचिंग हो गई, यानी ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड सब जगह लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है, एंड देन बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट दोनों जगह लिखा है, एंड डिप्टेरा ऑर्डर हो गया, फोर्थ हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्लियर। प्रिमिटिव प्रोक्रियोटिक सिस्टम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस बनाते हैं मीथेनोजेंस, कौन बनाते हैं, मीथेन गैस, मीथेन गैस को ही हम बायोगैस कहते हैं, जो मीथेनोजेन बैक्टीरिया है विच आर फाउंड इन द सेवरल यू नो गट ऑफ द सेवरल ह्यूमिनेंट्स, गाय और भैंस के गोबर में है ना, खूब सारे निकलते हैं, गट में पाए जाते हैं गोबर से बाहर,
सिलेक्ट द इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिड ग्लाइकिन, ठीक है. प्लाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए ये हो गया इनकरेक्ट. ओके, बाकी ठीक है. इसमें साइनोबैक्टीरियम फ्लैजेला नहीं होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा वॉललेस है, बिल्कुल है. नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. साइंटिफिक नेस थ्री एपिटेट नहीं होते, टू होते हैं. ओके, साइंटिफिक नेस इटलिस्ट इन हैंडरिटन, इटलिस्ट हैंडरिटन में क्या अंडरलाइन करते हैं, क्या करते हैं अपन अंडरलाइन, ये गलत हो गया. फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, सेकंड को स्पेसिफिक एपिटेट बोलते हैं, ये ठीक है. थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाए, भले नेम फर्स्ट फर्स्ट स्पीसीज नहीं होती कभी, इसलिए थर्ड आंसर हो जाएगा. मोनोकॉटिलेडोनस रिप्रेजेंट क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म. मोनोकॉट और डाइकॉट जो है ना वो एंजियोस्पर्म की क्लास है. मोनोकॉट और डाइकॉट किसके है, एंजियोस्पर्म, इसलिए गलत हो गया. तो इसका मतलब पहला गलत है फेलिस फेलिस कैट. ओके, ये सही है. तो मतलब एक गलत है, ए वाला रॉन्ग है, ए इज रॉन्ग और बी इज राइट, ये हो गया. विच टॉक्सिक कैटेगरी है मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी, सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि स्पीशीज से लेकर ऊपर इधर बढ़ते हैं किंगडम की तरफ, किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, तो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी जो है वो होगी किंगडम में. कहाँ होगी, किंगडम में. तो देखिए स्पीशीज से ज्यादा होगी जीनस में, जीनस से ज्यादा होगी फाइलम में, फाइलम से भी ज्यादा होगी किसमें, किंगडम में. किंगडम आंसर आएगा. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा. ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं. प्लियोमॉर्फिक मतलब होता है लेकिन चेंज देयर शेप, क्यों, क्योंकि इनमें सेल वाल नहीं होती है. एंड देन माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है. दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन नॉट लिखा है, मतलब दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन बिकॉज दे आर फैकल्टेटिव एनरोबिक्स होते हैं, इसलिए वो सर्वाइव कर सकते हैं. विकल्पी अवायवी होते हैं. ओके, मैनी माइक्रोप्लाज्मा पैथोजन, ये यहाँ पे मैनी माइक, तो इसे पूछ रहे हैं कौन करेक्ट है, तो यही करेक्ट हो गया. तो ठीक है, कौन कौन से हो गए, ए बी और सी. ए बी सी कहाँ लिखा है, ए बी सी. ओके, तो ये आपका हो गया. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फंजाई प्रेफर टू ग्रो वार्म एंड ड्राई, नहीं है, यहाँ पे होगा ह्यूमिड. ह्यूमिड मतलब समझ रहे हो, नमी में. ओके, इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया. ओरिजिन स्पोरेंजियोस्पोर एक्सोजिनस, नहीं, ये एंडोजिनस होते हैं, एंडोजिनस होते हैं. एस्कोमाइसिटीज बेस्टिमेज सो डाइकैरियोटिक स्टेज, ये ठीक है. फाइकोमाइसिटीज ओनली अकर इन टेस्टियल लेवल, ओनली लगा दिया इसलिए गलत हो गया. सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट इन बेस्टिमाइसिटीज, ये सी के. तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, कौन कौन से करेक्ट है, तो करेक्ट कौन कौन से, सी और सी और ई हो गया. हाँ, सी और ई. अब सी और ई कहाँ लिखा है, सी डी भी तो है, डी क्या है, ये तो गलत हो गया भाई. तो इसमें आपका करेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन ठीक है. इसमें एस्को वेसिडियो डायकैरियोटिक फेज, सी एंड देन ई. सी और ई कहाँ पे, ये लिखा है, सी एंड ई आर करेक्ट. ओके, देन हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट. वायरस इज नॉन सेलुलर, बिल्कुल नॉन सेलुलर है. वायरस को नॉन सेलुलर ए सेलुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सेल नहीं होती है. दे आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी. ओके, सेल नहीं है इसलिए कैसे हो गए नॉन सेलुलर. करेक्टराइज बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, ये ठीक हो गया. आरएनए ऑफ वायरॉइड हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, नहीं होता बड़ा, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए ये गलत हो गया. वायरस हैव इधर डीएनए आरएनए, ये सही हो गया. बोवाइन स्पंजीफॉल इंसेफलोपैथी बीएसई कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, वायरॉइड द्वारा नहीं होती, प्रियॉन द्वारा होती है, ये प्रियॉन के द्वारा होती है इसलिए गलत हो गया. ये प्रियॉन डिसीज ठीक, कितने क्या पूछ रहे हैं इसमें, कितने करेक्ट हैं, तो करेक्ट कितने हो गए, एक दो तीन. ओके, अब है इसमें आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहे हैं. अब देखो एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज मशरूम, मशरूम जो है वो बेसिडियो में आती है, एस्को में नहीं आती है. अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म प्लाज्मोडियम, ये ठीक है. ये प्लाज्मोडियम क्वेश्चन आया था वो यही तो था आपका, प्लाज्मोडियम बनाते हैं. डायनोफ्लैजेलेट्स आर मेनली मैरिन एंड फिश सो वेरियस कलर लाइक द येलो ग्रीन, ग्रीन कलर नहीं होता, येलो ब्राउन रेड वगैरह तो होते हैं, ग्रीन कलर नहीं होता, इसलिए ये हो गया है ना, गलत हो गया. एंड देन सिट्रस कैंकर डिसीज बाय बैक्टीरिया, सही है. क्रासाने बैक्टीरिया यूनिसेलर, ये सी के. फिलामेंटस कॉलेज सब हो सकते हैं. अब आंसर कितना सही होगा, बी डी ई, तीन हो गए, तो तीन हो गया. ओके, एंड देन आइडेंटिफाई द लेवलिंग इन द फॉलोइंग फिगर.
अब फॉलोइंग फिगर में देखना है, सीधा एनसीईआरटी लाइन है, जहां पे जो लिखा है वही करना है। इस पर डीएनए लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा है देखो, डी क्या है, डी हिट्रोसिस्ट है, क्या है, हिट्रोसिस्ट है, और ये क्या है, मिसलेन सी था, तो देख लो डी से ही निकल आएगा आराम से, देखो डी और ई लिखा है, ठीक है। ए क्या है, सेल वाल है, दूसरा क्या है, बी सेल मेम्ब्रेन है, तो आपका आंसर और सी डीएनए है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है ना वही आपको रखना है। ओके नेक्स्ट चले, प्रोटीन सबसे अच्छा स्टार्च स्टोरेज फूड है, ये कुछ करेक्टर दे रहे हैं, इनके बेसिस पे जानना है कि इनमें से कौन कौन से हैं, किस किंगडम में ये करेक्टर आपको मिलेंगे। अब कंफ्यूजन ये होता है, इसमें आंसर आपको लग रहा होगा प्लांटी भी हो सकता है और एल्गी भी हो सकता है, करेक्टर तो दोनों के हैं लेकिन किंगडम पूछा है बड़ा, तो किंगडम है प्लांटी, क्योंकि एल्गी भी प्लांटी में ही आता है। किंगडम कौन सा हो जाएगा, किंगडम की बात करें तो, जगत की बात करें तो प्लांटी जगत में आएगा। ओके करेक्ट ऑप्शन ए सेलुलर, देखो फिर से आ गया, नॉन सेलुलर ए सेलुलर किसको बोलते हैं, वायरस को, तो इसमें ए सेलुलर में वायरस भी है, प्रियोन है, वायरॉइड तीनों आ जाएंगे, तो ये आपका हो गया, क्योंकि विटेकर ने इनको कोई अपने उसमें प्लेस नहीं दिया था। एंड देन नेक्स्ट हम चल रहे हैं बी सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, अब ये आ गया वायरस। ओके ये स्मॉल पॉक्स डिसीज होती है, शुरू होती है वायरस शुरू होती है, और क्या है वायरस, ओके हाँ हर्पीज डिसीज जो है वो भी वायरस के कारण होती है। वायरॉइड्स में आपका टीओ डाइनर, ओके ये आपका टीओ डाइनर ने वायरस वायरॉइड के लिए बताया था, बैक्टीरिया। बीजीए क्या है, फोटोसिंथेटिक, बीजीए क्या करते हैं, ब्लूम बनाते हैं, और पीएसटीडी ये करता है, वायरॉइड्स करते हैं, तो इस तरीके से आप देख लें। तो वायरॉइड में कौन कौन से हो, एक तो ये हो गया, एक टीओ डाइनर वाला हो गया वन, एंड देन फिफ्थ, वन फिफ्थ देख लें तो हो जाएगा। बीजीए क्या देख लो, वाटर ब्लूम और फोटोसिंथेसिस, सेकेंड थर्ड, ओके डी का क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड, तो देखिए सेकंड थर्ड यहाँ आ रहा है, फोर्थ हो जाएगा। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजेलेट, गोनियोलेक्स की बात कर रहे हैं, स्टेप सेलस प्लेट होती है, सिल्का नहीं होती, लेकिन ये तो ठीक है लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ पे सिल्का नहीं होती, सिल्का होती है डाइटम में, डायनोफ्लैजेलेट्स में नहीं, मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर नहीं होते, मैरिन वाटर में होते हैं। सो मिक्सोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक ये नहीं करते, यूग्लिना करता है मिक्सोट्रोपिक, एंड मोस्टली मैरिन एंड फोटोसिंथेटिक टू फ्लैजेलाई, यस हो गया। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स आर कैसे होते हैं, प्रोटोजोन्स हिटरोट्रॉप्स एस प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स जो है वो हिटरोट्रॉप्स होते हैं, जनरली प्रीडेटर होते हैं, ओके सेप्रोफाइट नहीं होते, तो हिटरोट्रॉप दे आर सेप्रोफाइट नो, फोटोसिंथेटिक नो, प्रीडेटर यस, कंज्यूमर ऑटोट्रॉप्स होते नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ओके अब ये आपका आ गया ए आर वाले क्वेश्चन, कुछ हैं देखना पड़ेगा। माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिज दैट कंप्लीटली लैक द सेल वॉल, बिल्कुल सही है, मेनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो विकॉज लगा दिया करिए, आर पढ़ने से पहले विकॉज या हाउ और वाई, क्यों कैसे क्योंकि, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आर सही है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका आर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है वो देख लो, फिर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख लो, तो हो जाएगा। इसमें क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर आएगा टू। ओके वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए आरएनए, बिल्कुल सही है, कॉलेरा टेटनस सिट्रस कैंकर वाला वायरल वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, इसका मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट क्रायोफाइट, ट्रू पूछ रहे हैं क्रायोफाइट्स में, दे आर फाउंड फ्रेश वाटर एज वेल मैरिन एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है, द ग्रुप ऑफ इंक्लूड डाइटम डेस्मेंट ये भी ठीक है, दे आर द मोस्टली पैरासिटिक, पैरासिटिक नहीं होते फोटोसिंथेटिक होते हैं, ओके सेप्रोफिटिक भी नहीं होते, मोस्टली कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक ही हैं वो बेसिकली, दे आर माइक्रोस्पोक एंड फ्लोट पैसिवली ये ठीक है, दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये ठीक है, तो इसमें कितने ऑप्शन हो गए बताओ, ए बी डी, ए बी डी कहाँ लिखा है, ए बी डी ये आ गया ए बी डी, ओके इसमें ए सी होता है यहाँ पे, बी न करके क्या है फी सी, तो सी अगर होता तो सही हो जाता है लेकिन गलत हो गया इस चक्कर में, ठीक है तो ए बी डी सही है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपका है 42, ओके मैच द करेक्ट, करेक्ट करना है भाई कौन कौन से हैं, एगेरिकस पैरासिटिक फंजाई है क्या, जाइगोमाइसिटीज में नहीं आती, किसमें आती है ये आती है बेसिडियो माइसिटीज में, तो देखना है फाइटोफ्थोरा एसेप्टिक माइसिलियम, बेसिडियो माइसिटीज नहीं होता ये होता है आपका फाइकोमाइसिटीज में, ओके अल्टरनेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ये सही है, तो ठीक है बात की म्यूकर एस्कोमास्टिक नहीं होता इसलिए गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फिर पूछ रहे हैं भाई क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड बियर, बिल्कुल सही है,
फंजाई रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये आगे लाइन वार्म एंड, ये ठीक है। सेल वाल फंजाई कंपोज्ड ऑफ क्राइटिन पॉलीक्राइट, बिल्कुल सही है। फंजाई सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एल्गी, एल्गी को माइकोबायंट नहीं बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायंट और फंजाई को बोलते हैं, एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायंट और फंजाई को बोलते हैं माइकोबायंट, तो ये उल्टा पुल्टा कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गई। ओके, स्लाइम मोल्ड्स, डायनोफ्लाइलेट, क्राइजोफाइट, फिर से वही आ गए। सॉफ्ट बॉक्स जो होते हैं क्राइजोफाइट्स में स्ट्रक्चर होती है ना, एंड देन स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। ओके, डायनोफ्लाइलेट्स येलो ब्लू कलर के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें क्राइजोफाइट्स में क्या आते हैं, डाइटम आ जाते हैं, और इसमें क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा गोनियोलिक्स, और सेप्रोफिटिक तो यही है, स्लाइम मोल्ड्स ही सेप्रोफिटिक है, स्लाइम मोल्ड्स ही क्या है, सेप्रोफिटिक है, तो इस तरीके से मैचिंग मैचिंग। ओके डन, तो सी को देख लो, सी पे देख लो, सी से ही आ जाएगा आंसर, फिर क्या है, ये दोनों हैं और ये नहीं, सी तो उसका है। ओके, क्राइजोफाइट्स में आपका क्या बता रहे थे, डाइटम, हाँ, फर्स्ट एंड दिस वन, फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ का ये आ गया फर्स्ट में। ओके, दो में आ रहा है वैसे तो, और देख लेते हैं। तो बी, बी में क्या है, बी है डायनोफ्लैजेलेट, येलो कलर के होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और क्या करते हैं ये, एंड देन गोनियोलिक्स, ये आ गया सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड का यही है, तो आपका ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, जुगलिनॉइड्स हैव प्रोटीन रिच लेयर आउटसाइड द सेल वॉल, जुगलिना में सेल वॉल नहीं होती है। इन स्लाइम मोल्ड्स स्पोर्स आर फॉर्म इनसाइड द प्लाज्मोडियम, नहीं इनसाइड नहीं बनते हैं, आउटसाइड द प्लाज्मोडियम बनते हैं, इस तरीके से फ्लोटिंग बॉडी होती है, इनके बाहर की ओर बनते हैं स्पोर्स। ओके, इसलिए गलत हो गया। प्रोटोजोआन्स आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव, ये सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, बस हो गया और क्या। तो राइट पूछा है, तो राइट यही हो गया, डाइटम डू नॉट लेफ्ट, मैं तो लेफ्ट करते ही, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, ये आ गया मैचिंग मैचिंग फिर से। अब फैमिली में क्या है, फैमिली एसी लगाते हैं, फैमिली मिल जाती है, देखो सिंपल है, फैमिली एसी होगी, डिवीजन आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्मी, एंड देन क्लास, क्लास तो आपका मैमेलिया हो गई, एंड देन ऑर्डर सेवन डेज, एज लगाने पर ऑर्डर मिल जाता है, तो एज लगाने पर ऑर्डर। ओके, एसी लगाने पर फैमिली, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका मैचिंग मैचिंग फिर से करनी है, हेड्रोसिस्ट अभियान पड़ गए थे, नाइट्रो इन्फिक्सेशन, मिथेनोजेंस, ल्यूमन ऑफ काउ, ओके, आर्के बैक्टीरिया, दे हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, हाई एसिडिक कंडीशन में, थर्मो एसिडिफाइल्स। ओके, अब इसमें ये है कि इन्होंने थर्मो एसिडिफाइल दे रखा है, तो इसका ये हो जाएगा हाई, थर्मल मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, दोनों हो जाएंगे, एंड आर्के बैक्टीरिया कैसी है, मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन, तो ऐसे मैचिंग मैचिंग होगी। चूज द इनकरेक्ट पेयर पूछ रहे हैं, फाइकोमाइसिटी एक्वेटिक पाए जाते हैं, ये ठीक है, एस्कोमाइसिटी रस्ट और डिस्पर नहीं फैलाते, ये गलत हो गया, एस्कोमाइसिटीज वाले रस्ट और डिस्पर डिसीज नहीं फैलाते हैं, वो फैलाते हैं बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर। ओके, बाकी ठीक है, पब बॉल्स ड्यूटरमाइसिस अल्टरन एरिया मेंबर, तो बेसिक ग्रुप मोस्टली हेल्प इन जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च की बात आती है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया है, न्यूरोस्पोरा, कौन सा, न्यूरोस्पोरा जो है उसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, तो उसमें वो किसमें आता है, वो आता है आपका एस्को में, और एंटीबायोटिक फॉर्मेशन पेनिसिलिन, वो भी एस्को का एक मेंबर है, पेनिसिलिन नोटेटम। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग, दीज आर नोन एज ब्रैकेट फंजाई और मशरूम्स, मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्लब फंजाई, क्लब फंजाई बैसिडोमाइसिटिस को बोलते हैं, उसी को ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, सेल्फ फंजाई बोलते हैं, मशरूम भी उसी में आता है, एग्जोजीनस स्पोर्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इनके जो बैसिडो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा बाहर बनते हैं, इसलिए कैसे हो गया, वो एक्जोजीनस। ओके, ये भी ठीक, फ्लोटिंग बॉडी अपसेंट, अपसेंट नहीं होती, प्रजेंट होती है, बैसिडोकार्प फ्लोटिंग बॉडी। ओके, अब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन, ये ठीक है, एस्टिलोगा एंड स्मट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, एस्टिलोगा स्मट इसमें ही आ जाएगा, कितने हो गए, सही भाई, एक ए बी और डी ई, ए बी डी ई, ये आ गया आपका ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आपका हो गया, एंड देन आपको शुभकामनाएं अगले पेपर के लिए। ओके, थैंक यू।